4 अगस्त 2018 एक चीज दिमाग में आया कि इसको हम थोड़ा सा दिखा दें ऊपर। पहले आप नारियल देख रहे होंगे, नारियल लगा हुआ। आइए करीब से देखिए, ये नारियल लगे हुए हैं। एक चीज दिमाग में आई कि लाइए हम आपको एक दिखाने कि देखिए मनुष्य क्या है, मनुष्य किसे कहते हैं। यही हम केवल यही बता रहे हैं, बस आज ये पता लग रहा है कि मनुष्य इस संसार में न के बराबर हैं। अब 1% मनुष्य बचे हैं और शायद जिस दिन ये नहीं रहेंगे उस दिन ये बड़े बड़े आणविक परमाणु बम को कोई फटने से रोक नहीं पाएगा। देखिए नन्ही सी चिड़िया अपने बच्चों को भोजन लेके आई है, मैं बगल में खड़ा हूँ, अपने बच्चों को भोजन दे रही है। देखिए छोटी सी उड़ गई, देखिए देखा, और देखिए अब दूर आई है बच्चों को कुछ भोजन देके। और ये बच्चे देखिए ये कैसा बैठे हैं, देखिए थोड़ा पेड़ जब हल्का सा हिलेगा ये देखिए पूरा चोंच निकाले अपने, देख रहे हैं, देखो 3 बच्चे हैं नन्हे नन्हे से, बिल्कुल अपना चोंच ऊपर उठाए घोंसले में, घोंसला के तबड़ा 3 पत्तों से घोंसला बना है। मात्र नन्हे से आम का पेड़ हमको खुदा के लगवाना था, यह बड़ा खूबसूरत आम है। देखिए 3 पत्तों को जोड़ करके कैसे कैसे पत्तों में सुराख किया गया है, कैसे उसमें ताना बाना बुना गया है, ये प्रकट की लीला देखिए। ये प्रभु के दर्शन करो, इसी का नाम है ईश्वर, इसी का नाम है भगवान। देखा, वो बेचारी दूर से कहीं देख रही होगी क्या है कि एक आदमी, बताइए कितनी नन्ही सी चिड़िया, इसको बाया बोलते हैं, देखा आपने हैं। अब आप लोग चिड़िया खाते हैं, मुर्गा नोचते हैं, तो ज़रा सोचिए कि आप क्या मनुष्य हैं, क्या आपको इंसान कहा जाए, क्या आप उसके कहलाने योग्य हैं, यही तो हमारा एक सवाल है, है? ममत्व प्रेम किसी की जान, हर जान को जो समझे अपनी जान, अरे वही तो है इंसान, फिर भी नहीं समझ में आता है श्रीमान, हैं? फिर भी आपको मेरी बात नहीं आता है श्रीमान, मेरी बात नहीं समझ में आपके आ रही है, हैं? देखिए सब कुछ वही मैं बताता हूँ कि अब बंदर भोज का टाइम हो रहा है, सब तैयारी करनी है, सब देखिए सब तरह तरह के अंजीर वगैरह लगे हुए हैं, 2-3 फसल देता है अंजीर जो है, काफ़ी महंगी चीज़ है ये, और ये घर में ही प्राप्त हो जाता है, ये हरा हरा सा लगा है, छोटे छोटे से इसमें बच्चे भी लग रहे हैं, कई एक पेड़ मैंने तैयार किए हैं। बड़ा वाला नींबू मैं दिखाता हूँ, देखिए इनकी खूबसूरती। ये हमारा स्टूडियो है, सुबह मैं यहीं पर इसी पर अपना वो क्या बोलते हैं अरे मोबाइल रख करके मैं यहीं पर बोलता हूँ इसी से, ठीक। नींबू की ओर मैं बढ़ रहा हूँ, प्राकृतिक छटा, यहाँ कल तक जो तमाम पेड़ लगे थे आप सब उनको खुदवा के बाहर हटवाए हैं, कुछ जगह और बढ़ा रहे हैं यहाँ पर, ठीक। आप बड़े वाले नींबू देख रहे होंगे, सामने आपको दिख रहे हैं, ये सब माटा लोगों का घोंसला है। चिड़िया तो बनाती है 3 पत्ते का घोंसला, और जो लाल चींटे होते हैं ये देखिए कई पट्टियों को मिला के घोंसला बनाया। ये देखिए बाहर ये देखिए पहरा दे रहे हैं, ज़रा सा हमने छू लिया, ये देखिए सब निकल आए बाहर, देख रहे हैं, ये देखो ज़रा सा मैंने छुआ तो निकल के बाहर आ गए। वो बुलबुल अपने बच्चों को भोजन दे करा रही है, वो देखिए पेड़ के ऊपर ये बुलबुल का जोड़ा है, नहीं जोड़ा नहीं, इसके बड़े बच्चे हो गए हैं, जो अंदर घोंसला था वो बच्चे बाहर आ गए हैं, अपने बच्चों को भोजन दे रही है ना।
इनको देखना, इनकी सजावट को देखना, इनसे प्रेम करना, पेड़ से, पौधों से, पक्षियों से, तभी आप मनुष्य हैं, वरना मनुष्य है नहीं। भाई रावण भी तो मनुष्य जैसा लगता था देखने में। तो तरह तरह की सब चिड़िया आती हैं, उनको भोजन मिलता है। ये घोंसले से बड़े बच्चे होके निकल गए हैं, ये अपनी बछिया रानी हैं। अब यहाँ ये कना हुआ रखा है, अब ये कना खाने में आजकल जुटी हुई हैं। चोकर का बोरी ऊपर से खींच लिया हैं, इनको घास पसंद नहीं है। वही बछिया है जिसका पैर जो है ज़मीन में, वो हड्डी के न होने की वजह से वो पैर लोच खाता है। देखिए कब जख्म इनका सूखता है, चार पैर से नहीं खड़ी हो पा रही हैं। अब चोकर गिरा दिया है और उसी में खाने में जुटी हैं। आज यहाँ सफाई हुई है, अब यहाँ पर ही जो इनका घोंसला था, अब बच्चे बड़े हो गए, अब निकल गए हैं। अब वो सामने पेड़ पर, करीब के पेड़ पर पानी बरसेगा तो हो सकता है उड़ के यहाँ आ जाए। बच्चा बड़ा है, उसकी माँ है सामने, देखिए बुलबुल आप देख रहे होंगे, है बड़ा बच्चा है, माँ उसकी रक्षा में बैठी हुई है। इसको कैसे देखा मैं, करीब जाएंगे तो उड़ जाएंगे। ये हाँ ये आए शायद, ये देखिए ये बच्चा बड़ा हो गया है, लेकिन यहाँ घोंसले से निकल गया है, उसकी माँ बगल में बैठी हुई है। अब इतने बड़े हो गए हैं लेकिन फिर भी माँ इनको, अब ये थोड़े थोड़े उड़ने लायक हो गए हैं, है ना। इसके बाद बड़े संकट होते हैं, तमाम चिड़ियों के, बाहरी चिड़िया के इनको मार देती हैं बच्चे को। जैसे वो बच्चे, तीन नन्हे नन्हे बच्चे निकलेंगे, ये देखिए देख रहे हैं। इन चीज़ों को देखने के बाद उड़ गई माँ, अब उड़ गई, कुछ चारा लाएगी, अब वहीं बैठे होंगे, हैं बाहर निकल गए हैं। बगल में इनका ये घर है और सामने इनका देखो, इनको वो मिल गया है, क्या नाम, अरे उनको बगीचा, गार्डन मिल गया है घूमने के लिए, हैं। अब करीब हम इसलिए नहीं जाएंगे तो हमको देख करके वो कहीं उड़ ना जाए, क्यों अपने घर के करीब है, हो सकता है रात होगी तो उसको माँ उड़ा के यहाँ ले आवेगी, पीछे पीछे उड़ के आएगी वो। कई यहाँ पर अब तो बरसात वो हो गया है, घोंसला चिड़ियों का बनना बंद हो गया है, और सामने आप बड़ा वाला नींबू देख रहे होंगे, देखने में अच्छा लग रहा होगा आपको ये सीन जो है ना, बड़े बड़े फल देखिए, फिर ये बुलबुल का बच्चा देखिए, देखा सब कुछ गार्डन अकेले दम से। यही मैं बताता हूँ कितना काम किया है इस समाज को दिखाने के लिए कि धर्म क्या है, प्रेम क्या है, मनुष्य किसे कहते हैं, मैंने यही पर जोर दिया है। लेकिन ना वो फलाने बाबा और ये बाबा, वो 500 साल के जिंदा रहे, वो 300 साल के जिंदा रहे, उन्होंने खाना छोड़ रखा है। अरे भैया उनके खाना छोड़ने से और 5 साल जिंदा रहने से समाज को क्या मिला, मुझे ये बताओ, हम उनको कैसे बाबा मान लें, हैं। आपके निगाह में होंगे अंधे, समाज के निगाह में बाबा होंगे, किया दिया कुछ नहीं, बस बाबा बाबा, लगी है भीड़, हैं, काम करो, मनुष्य बन जाओ। अब मनुष्य बनने के बाद फिर बाबा बनो या कुछ कहो। दुनिया को अगर आपने मानवता का संदेश नहीं दिया, दुनिया को आप केवल भगवान की कथा सुनाते हो। अब भगवान की कथा हम सुन के क्या करेंगे, हमको भगवान तो बनना नहीं है, हैं, हमको भगवान नहीं बनना है। हम हेलीकॉप्टर कंपनी में क्यों मोल भाव करने जाएं, जब हमको एक हेलीकॉप्टर का पहिया भी खरीदना नहीं है, हैं? हम क्यों वहाँ जाएं मोल भाव करने के लिए, हम क्यों भगवान का कथा सुने। एक बार सुन लिया, बार बार कथा सुनने की क्या जरूरत, जो हमने कथा में सुना है अरे भैया वो करो। देखिए शायद कल आदमी आएगा तो पेड़ सब खोदे जाएंगे, पकड़िया है,
ये पाकर जिसको बोलते हैं, ये खोद के सब इकट्ठा होंगे, बड़े बड़े पेड़ किसी गाड़ी पर लाद करके, पर्यावरण सेवा किसी में सब लाद के राम सिंह के गांव जाएगा, वहाँ तमाम लगाए जाएंगे और हर पेड़ के पीछे हम लोगों को इनाम रखेंगे। जैसे आप इतने पेड़ की सेवा करोगे तो हम इतने हज़ार तुमको देंगे, और उन पेड़ों को जो लोग हमसे जुड़े हुए हैं हम उनके नाम से लगवाएंगे। हमारे चाहे राम रतन मेहता हो, बस मनुष्य हैं, हमें गर्व करना चाहिए कि राम रतन मेहता, उनके अंदर मनुष्यता है। शुरू में उन्होंने वो हमसे जुड़े थे और आज भी हमसे जुड़े हुए हैं। तो हमने आपको चींटी का घोंसला दिखाया, जो लाल चींटा होता है, एक सुर भी सीरियल लाता था, उसमें इन चींटों को भून करके इसको घोंसले को काट ले गए और गरम गरम तवे पर ऐसे हिलाते हैं तो सैकड़ों हजारों निकलते हैं। वो गरम गरम तवे में गिरते हैं, उनको भून के पीस के चटनी लोग खाते हैं। ऐसे भी संसार में लोग हैं, उनको यही ज्ञान नहीं कि अरे ये भी जीव है और तुम भी जीव हो, इसको भी मरना है तुमको भी मरना है, तो फिर आप इनको मार के खाने वाले कौन, आपको किसने लाइसेंस दिया है? देखो हमने इसे इसे ठोंक दिया, ये सब ये देखिए कहाँ था वो भी हमने आपको दिखाया था। ये देखो ये निकला है, देखा, ये देखिए केवल हमने इसमें ऐसे ऐसे ठोंक दिया है, ये निकला है, ये देखो कितना शानदार इनका घर घोंसला बना हुआ है, देख रहे हैं बिल्कुल जैसे कोई सांप का मुंह बना हो। अंदर खब चाहे जितना पानी बरसे, देखिए किन पत्तियों की, अरे 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 छोड़ो छोड़ो भैया, किन पत्तियों को कैसे कैसे ये चपकाते हैं मुंह से सुलेसन निकाल निकाल के। एक घर यह बना है, एक घर यह बना हुआ, देखिए ये भी निकल आए हैं सब, कई पत्तों का ये घोंसला, इसमें सब हैं अपने आराम से बरसात अपना पार कर रहे हैं। तो चीतों का, छोटी चिड़िए का, चिड़ियों का, बुलबुल का घोंसला दिखाया, और ये दिखाने के बाद यही मेरा एक संदेशा है कि आप मनुष्य तभी हैं जब पेड़ पौधे पशु पक्षी से आप प्रेम करेंगे। अगर आप उनसे प्रेम नहीं करते हैं तो फिर अपने को मनुष्य न मानने की भूल करें, समझ गए? अभी बड़ी बेटी के यहाँ से कटहल भी आया हुआ है, अभी उसको भी बंदरों को लेके जाना है, सब जाना फायदा हुआ है, चले ठीक है। अब इसको अभी अभी हम YouTube पर लोड करवाएंगे, नाची आया हुआ है, कटहल ये रखा है, ये बड़ी बेटी के यहाँ से कटहल आया हुआ है, अभी बंदों को अभी आम भी खरीदना है जा करके। तो वाणी को मैं विराम दे रहा हूँ, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।